दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथों में नीम की पत्ती है, और नीम की पत्ती आप अपने पौधे पे अगर इस्तेमाल करते होंगे तो जानते होंगे कि बहुत बढ़िया एक संजीवन बूटी का भी काम करता है आपके पौधे के लिए, क्योंकि ये फंगस, वायरस और पेस्ट के ऊपर भी ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। और आपको हम बताएंगे कि इसका बहुत आपको उपाय बताएंगे किस किस तरीक़ों से आप इसको अपने पौधे पर इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके पौधे पर इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा और बिल्कुल फ्री का है। अगर आपके घर के सामने नीम होगा तो इस नीम की पत्ती को इकट्ठा करके इस्तेमाल करिएगा, इसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि जो नीम की पत्ती किन किन तरीक़ों से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आपको हम बताते हैं कि नीम की पत्ती को किस किन तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। उसमें सबसे जो पहला जो तरीका है कि नीम की पत्ती हमको लेनी है, और नीम की पत्ती लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमको वाश कर लेना है, धुल लेना है। जब इसको आप अच्छे तरीके से धुल लेंगे तो धुलने के बाद आपको करना ये है कि कम से कम 2 से 3 लीटर आपको लेना है पानी, 2 से 3 लीटर लेते हैं पानी, और उसमें आपको कम से कम 300 से 400 ग्राम नीम की पत्ती आप उसको डाल दीजिए पानी में, और डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से कम 10 से 15 मिनट तक उसको खौला दीजिए। देखिए हम आपके सामने ये रख रहे हैं और खौला के रखे हुए हैं, और आपको हम बता दें कि इसमें आपको सावधानी यही रखनी है कि पत्ती को आपको साफ रखना, पत्ती को आपको धुलने के बाद पानी में डालना है, और जो दूसरा जो काम ये करना है जो पानी उसमें डालना है पानी को साफ डालना है, तीसरा काम ये करना है कि जब 10 से 15 मिनट जब आप खौलाएँगे तो खौलाने के बाद कम से कम ये ध्यान दें कि हल्की आँच रहे, ज़्यादा बहुत तेज़ आँच पर नहीं करना है, नहीं तो पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और उसको ढक के गर्म करना है, ये नहीं खुले में आपको गर्म नहीं करना है, ढक दीजिएगा। इन तीन कामों को आपको करना है, और उसके बाद आप करें क्या कि जब ये देखिए अच्छे तरीके से ये मैंने इसको खौला लिया है, अब इसको आपको छान लीजिए। जब इसको आप छान लेंगे तो हम बताएं आपको कि बहुत बढ़िया ये फ्री का कीटनाशक बनकर तैयार हो गया, और इसमें बहुत कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं ये इसको चाहेंगे तो फिर दोबारा इसको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब यही करना पड़ेगा कि आप 2 लीटर इसमें डालेंगे पानी, 2 लीटर पानी में कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको आप खौला देंगे धीमी आंच पे, और उस पानी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि जब ये पानी को आप बना लिए तो इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए आपको करना ये है कि 200 लीटर अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो बहुत बड़े खेत वाले होते हैं उसमें 200 लीटर एक एकड़ में पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम छोटे लेवल बता रहे हैं कि इसको अगर 1 लीटर लेना है पानी, 1 लीटर पानी में 200 ml लिक्विड को डालना है, और डाल के किसी भी पौधे पे इसको छिड़काव कर दीजिए। आपको हम बताएं कि जो माहू होते हैं, मकड़ी होते हैं, पत्ती खाने वाले जो कीड़े होते हैं, फंगस होते हैं, अचानक कभी कभी आप देखेंगे देखते होंगे कि पत्तियाँ होती है ऊपर से फोल्ड होने लगती है, इसे वायरस के कारण लगता है ये समस्या आती है, उस पर बहुत बढ़िया ये काम करता है। कभी कभी आप देखें जो फूल वाले पौधे होते हैं, सब्जी वाले पौधे हों, इस पर भी बहुत भयंकर कीड़ों का हमला होता है, और इसको आप अगर भी इस्तेमाल करते हैं हर 10 दिन पर एक बार तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप मुक्ति पा जाएंगे, बहुत बेहतरीन इसका रिस्पांस है। दूसरा काम आपको ये करना है कि इसको आप स्टोर कर सकते हैं कम से कम 2 से 2.5 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं, इससे अधिक दिन स्टोर आप ना करिए। और सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि आप इसको स्टोर ना करें, क्योंकि आप तुरंत बनाइए और तुरंत बनाने में तुरंत इसको इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस आपको मिलता है। दोस्तों हम बता दें आपको कि जब दूसरा इसका नीम की पत्ती का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, नीम की पत्ती का दूसरा इस्तेमाल ये करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि हमें बहुत गर्म ना करना पड़े, हम इस तरीके से ही इसको इस्तेमाल कर लें, तो आपको हम बता दें कि नीम की पत्ती ले लीजिए, नीम की पत्ती में कम से कम आप 500 ग्राम तक नीम की पत्ती ले लीजिए, और 500 ग्राम में 2 से 3 लीटर आप ले लीजिए पानी। आपको हम बताते हैं 2 से 3 लीटर ले लीजिए पानी, और पानी लेने के बाद इसको करना ये है जब इसको पत्ती को आप तोड़ लीजिए तो कभी कभी हम बता दें आपको कि जब पत्ती को तोड़ लेते हैं 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि पत्ती को तोड़ने के बाद छाया जगह पे इसको आप इस तरीके से फैला के छोड़ दीजिए, हल्का सा पत्ती ये सूख जाए, मात्र केवल आपको 10 से 12 घंटे या 24 घंटे ही छोड़ना है, ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। नहीं तो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत लीजिए पानी, पानी लेने के बाद इसको पत्ती को आप डाल दीजिए, और पत्ती को डालने के बाद आपको करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से आप पानी में पत्ती को घोल लेना है,
और घोलने के बाद इसको ढक दीजिए और कम से कम आपको 24 से 48 घंटे तक इसको ढक के आपको रख देना है। उसके बाद आप करना क्या है कि इसको आप लाइए और लाने के बाद फिर इसको छानिए और इस पानी को आप अपने पौधे पे इस्तेमाल करिए। आपको बताएं कि इसमें कोई और सादा पानी आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं, ये टोटल पानी को इसमें इस्तेमाल करना है। और इस वाले लिक्विड जो मैंने बनाया है कीटनाशक, इसमें मात्र केवल 1 लीटर में 200 ml इसको इस्तेमाल करना है। और स्टोर की बात है तो स्टोर इसको भी कर सकते हैं, स्टोर इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही रहती है कि आपको जितना आवश्यकता है उतना ही बनाइए और बनाने के बाद इस्तेमाल करिए, फिर जब दोबारा आपको आवश्यकता पड़ती है दोबारा भी इसको बना सकते हैं। 10 दिन पे इसको भी इस्तेमाल करिए, 10 दिन पे इसको भी इस्तेमाल करिए, दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे, रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। आप देख लीजिए जो फंगस है, जो बहुत लोग परेशान मकड़ी से रहते हैं, पौधे भी कभी कभी देखते हैं कि पौधे भी झाले मकड़ी बना देते हैं, इससे भी बहुत लोग ग्रसित हैं। आप इस पानी को इस्तेमाल करिए, जो मकड़ी जो झाले बनाती हैं बिल्कुल उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब आपको हम बता दें जो तीसरा इसका उपाय क्या है। तीसरा है उसका उपाय इतना बढ़िया है कि इस पत्ती को आप चाहें तो अच्छे तरीके से सुखा सकते हैं। पत्ती तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद आप धूप में इसको अच्छे तरीके से सुखवा लीजिए। आप देखिए जब सुखवा लेंगे तो पत्ती इस तरीके से कुछ बन जाएगा। और इसको आपको करना क्या है कि मिक्सर में पीस सकते हैं या इसको आप क्रश कर सकते हैं हाथों से क्रश करेंगे तो उतना पाउडर नुमा नहीं बनेगा ये, लेकिन इसको आप मिक्सर में पीस लेंगे तो पीसते समय आप देखेंगे एकदम बिल्कुल ये बारीक बन जाएगा। देखिए एकदम पाउडर नुमा ये बन गया। और इस पाउडर को आपको बताएं कि अगर आपके मिट्टी में, गमले की मिट्टी में फंगस लग गया या दीमक लगते हैं, कभी कभी जब दीमक लगते हैं तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करता है, तो महीने में एक बार या 15 दिन पे एक बार इसको भी हल्का हल्का इस तरीके से इतना लेके आप और मिट्टी के चारों तरफ आप इसको स्प्रिंकल करके उसकी गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद उसको पानी दे दीजिए, बहुत ही बढ़िया इसका भी आपको रिस्पांस मिलता है। दोस्तों हम बताएं आपको कि इन तीनों तरीकों में आपको बहुत कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ये फ्री का तरीका है और फ्री में आप इसको इस्तेमाल करिए और इसका रिस्पांस आप देखेंगे बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि अब इसको पाउडर फॉर्म बना लेंगे तो पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद इसको आप रख सकते हैं किसी डब्बे पे और रखने के बाद अच्छे तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में 2 बार, रिस्पांस बहुत बेहतरीन है। एक बात आपको हमें बता दें कि जब इसको इस लिक्विड को अगर आपको स्टोर करना है लिक्विड वालों को, तो ये ध्यान रहे कि इसको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ठंडी जगह हो। आप किसी डब्बे में बंद करके इसको रख दीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि ठंडी जगह पर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। जिन भाई बंधु को स्टोर करने की बहुत लगे कि हम स्टोर कर लेंगे तो महीने में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, 2 महीने में 6 बार इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए ये है कि इसको आप ठंडी जगह पर रखें, उसका रिस्पांस आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर इसको धूप में रख देंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आपसे हम बता दें कि आप तीनों में से किसी एक भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को या ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल किए हों या आपको बता दें कि जो पेस्ट के रूप में जो मैंने आपको बताया है, इसमें कोई भी एक इस्तेमाल करिए, इस्तेमाल करने के बाद आपको रिजल्ट अगर मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।